नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। देश के गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करी और कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने जवानों को सम्मानित भी किया, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ड्रोन की घटनाओं पर हम बराबर नजर बनाए हुए हैं और एंटी ड्रोन तकनीक पर काम चल रहा है, लगातार तेजी से ये काम जारी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ के जवानों को हमारा सलाम, चीन के साथ बॉर्डर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है और किसी भी तरीके की घटना न होने पाए, इसको लेकर पूरे तरीके से हमारी सेना और बीएसएफ जो है वो मुस्तैद हैं। बीएसएफ ने तमाम मौकों पर बेहतर सेवाएं अपनी दी हैं और सुरक्षा को पूरे तरीके से पुख्ता तरीके से बनाकर रखा है, इसीलिए आज बीएसएफ के जवानों को उनकी वीरता को सलाम। तो चीन के साथ बॉर्डर पर हमारी नजर है, इन तमाम विषयों पर गृहमंत्री अमित शाह आज बोले। दरअसल बीएसएफ का 18वां अलंकरण समारोह आज है और इसी समारोह में गृहमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने जवानों को सम्मानित भी किया और इसके अलावा ड्रोन की घटनाओं पर भी उन्होंने बात रखी। बहुत से विषय उन्होंने आज रखे अपनी इस पूरी बातचीत में और कहा कि एंटी ड्रोन तकनीक पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की लगती सीमा पर भी हमारी पूरी की पूरी नजर बनी हुई।